बिग बॉस 14 का फिनाले की शूट लगातार जारी है और ऐसे में एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है। और आप सभी को बता दूं कि एली गोनी हो चुके हैं बिग बॉस 14 के फिनाले की रेस से बाहर, यानी कि एली गोनी का एविक्शन वहां पर हो गया है। ये बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि जो वोटिंग ट्रेंड सामने निकल के आया था उसमें एली गोनी का जो स्थान था वो तीसरा नंबर था, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से एविक्शन हुआ है सबसे पहले एली गोनी का एविक्शन वहाँ पर किया गया है। और आप सभी को बता दूँ कि इसी के साथ बिग बॉस को जो है टॉप 3 मिल चुका है, जिसमें राहुल, रूबीना और निकी तंबोली है। और ये बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि निकी तंबोली जो वोटिंग ट्रेंड थी उसमें सबसे नीचे थी, जो फिनाले फाइनल वोटिंग ट्रेंड आया है उसमें, लेकिन वो अभी भी टॉप 3 में मौजूद है। और एली गोनी का वहाँ पर इविक्शन कर दिया गया है और राखी सावंत 14 लाख रुपये लेकर के खुद अपने आप को फिनाले के रेस से, यानी कि विनिंग के रेस से बाहर कर चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एली गोनी का सफ़र भी खत्म हो चुका है और वो भी अब विनिंग के रेस से बाहर हो चुके हैं, यानी कि जो टॉप 3 के रूप में सामने आए हैं बिग बॉस के उसमें नाम है रूबीना दिलेक, राहुल वैद्य और निकी तंबोली, ये टॉप 3 अभी बचे हुए हैं। और वहाँ पर एली गोनी इविक्ट हो चुके हैं और राखी सावंत ने 14 लाख रुपये लेकर के अपने आप को बाहर कर लिया है। तो ये अपडेट आ रही है बिग बॉस के फिनाले के सेट से। जैसे ही आगे कुछ अपडेट आएगी हम आप लोगों को जरूर देंगे। तब तक बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।